लॉकडाउन की वजह से हमारे उधमपुर और जम्मू संभाग के हज़ारों विद्यार्थी और हमारे लेबरर जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स में फंसे हैं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, इसी तरह से दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, यूपी में, भोपाल में, तो करीब करीब हर स्टेट के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे ये लोग फंसे हैं। और इनके लिए हमने लगभग आज से 10 दिन पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और उसमें हज़ारों की तादाद में लोगों के हमें मैसेज आए और उन्होंने अपने एड्रेस दिए, अपनी मजबूरी बताई, अपना अपने जो हालात वहाँ के हैं वो बताए और उनकी जो डिटेल्स थी हम लगातार प्रशासन को भेजते रहे और प्रशासन के साथ लगातार हमारा टाई अप रहा। लेकिन आज 10 दिन से ज़्यादा वक्त होने के बावजूद भी सरकार को, प्रशासन को लिस्टें मिलने के बावजूद भी इन लोगों को वापस नहीं लाया जा रहा है। इवन हमारे स्टेट के अंदर हमारे बहुत से लोग जो हैं रजौरी के अंदर उधमपुर के लोग हैं, हमारे लोग लेह लद्दाख के अंदर फंसे हैं, वहाँ परसों भी लद्दाख के अंदर बसें गई और वापस खाली बसें आ गई लेकिन उन लोगों को यहाँ नहीं लाया गया। ये हमने आज भी यहाँ जम्मू के जो डीप काम हैं संजीव वर्मा जी उनके नोटिस में लाया है, यहाँ के प्रशासन के नोटिस में लाया है, हर अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाया है लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि बार बार हम लोगों का जो मुश्किलात है, लोग जिस हालात में हैं वो सरकार के साथ डिस्कस करने के साथ, सरकार को बयां करने के बाद भी सरकार उसके ऊपर सीरियस नहीं है। अब हमारे पास एक विकल्प है कि अगर इन लोगों को सरकार एक हफ्ते के अंदर वापस नहीं लाती है तो हम उपराज्यपाल जी को कहना चाहते हैं, हम भूख हड़ताल पे मरण व्रत पे बैठेंगे और आर पार का फैसला होगा कि हमारे लोगों को आप नॉन सीरियसली कंसीडर नहीं ले सकते। अगर यूपी की सरकार उन लोगों को घरों में ले जा सकती है, बिहार की सरकार उन लोगों को उनके घरों में ले जा सकती है देश के अलग अलग कोनों से, तो हमारी सरकार इसमें सीरियस क्यों नहीं है? तो इसलिए हम साफ और सीधे शब्दों में सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर हफ्ते के अंदर इन लोगों को वापस लाने की सरकार ने योजना तैयार करके इनको नहीं लाया तो हम अनशन पे बैठेंगे, मरण व्रत पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी और यहाँ की यूटी गवर्नमेंट की होगी। ये मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा।